हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बाकी क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नंबर से हम क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें यानी यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है, इसीलिए दोस्तों क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, प्रचक्रण क्वांटम संख्या से, या दिगंशी क्वांटम संख्या से? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा का विन्यास नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? दोस्तों झिल्ली लिपिड में होता है, आप देख सकते हैं ऑप्शन है आपके सामने, कम अनुपात में संतृप्त वसाम्ल और कम अनुपात में असंतृप्त वसाम्ल, समानुपात में संतृप्त एवं असंतृप्त वसाम्ल, और ऑप्शन नंबर 4 है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसाम्ल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? दोस्तों करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से किया जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को कहते हैं समन। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं, उसे दोस्तों समन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? दोस्तों पौधे बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, पल्सर क्या होते हैं? दोस्तों पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? भेड़ को, भैंस को, बाघ को, या ऊंट को? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंट। दोस्तों ऊंट भले ही ज़्यादा नमक खा ले, लेकिन उसे उच्च रक्तचाप की शिकायत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 कहाँ है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है ये, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? ग्राउंडनट ऑयल में, बटर ऑयल में, बटर मिल्क में, या आइसक्रीम में? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्राउंडनट ऑयल में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, USB क्या है? दोस्तों USB का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों USB का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस, यही इसकी फुल फॉर्म होती है, यही इसका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों इसी के साथ हमने सामान्य विज्ञान के कुछ इंपोर्टेंट MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।